अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस जिस मामले को लटकाती थी, कांग्रेस के सहयोगी लोग जिन कारणों के लिए प्रताड़ित करते थे, हिंदुओं को अपमानित करते थे, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, यह भी मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो पा है। भाइयों बहनों, कितना बड़ा कार्य है, 500 वर्षों में हिंदुओं ने 176 से अधिक लड़ाई लड़ी, कई लाख हिंदू हताहत हुआ राम जन्मभूमि को पाने के लिए, और आज भारत के लोकतंत्र की ताकत, भारत की न्यायपालिका की ताकत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सुरक्षा का माहौल भी देंगे, सुरक्षा पे सेंध भी नहीं लगाने देंगे और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे चली है। आप सोचिए, कांग्रेस इस समस्या का समाधान चाहती ही नहीं थी, और आप ऐसे भी जान सकते हैं, कोई इरफान अंसारी जीतेगा तो मंदिर तो नहीं बनाएगा ना, उसके लिए तो कोई वीरेंद्र मंडल चाहिए ना, जो एक एक शिला लेकर के आप लोगों को लेकर के अयोध्या पहुंच सके और भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक एक शिला रखवाने में योगदान दे सके। भाइयों बहनों, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये भगवान राम की जन्मभूमि में बनने वाला राष्ट्र मंदिर है जिस पर भारत की आत्मा विराजमान होगी, जो भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को कराएगा और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया को कराएगा, और यही नहीं, भारत का वनवासी, गिरवासी, आदिवासी, हरिजन समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी गर्व से कहेगा कि मेरे प्रभु राम का ये मंदिर है, क्योंकि राम तो हम सबके हैं। एक गौरव की अनुभूति कराने वाला भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने वाला है और उसी के लिए तो आपको आमंत्रण देने के लिए मैं अयोध्या से यहां आपके बीच आया हूं, इसीलिए आया हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी भ्रष्ट और बेमान लोग एक मंच पर क्यों आ गए, ऐसा इसीलिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। आप सोचिए, भगवान राम राज्य की आधारशिला, दुनिया के अंदर शासन की सर्वोत्तम शासन माना जाता है, जहां पर शासन में कोई भेदभाव नहीं होता, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर,